हमारी चॉकलेट मिनी पैनकेक। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट पैनकेक। ये हम मैदा से नहीं, आटा से बनाने। ये हमने एक कप आटा लिया है, 6 टेबलस्पून शुगर डालेंगे, 2 चॉकलेट पाउडर डालेंगे, 2 टेबलस्पून एक टीस्पून मैंने चॉकलेट पाउडर डाला है, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डालेंगे। चॉकलेट पाउडर डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अदरवाइज ना डालें। 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च डालेंगे, कॉर्नफ्लोर। सभी सामानों को हम अच्छे से छान लेंगे, इसे हम हटा देंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये मैंने 1 कप हल्का गरम दूध लिया है, इसमें मैं 1 टीस्पून सिरका डालूंगी और 1 टेबलस्पून बटर या घी, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इसी दूध में 1 टीस्पून चॉकलेट पाउडर एसेंस डालेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिलाएंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिला लेते हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये मिक्सर डालते जाएंगे। अगर आपको अपने बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लगती है तो आप 1 टेबलस्पून मिल्क और ऐड कर लें और फिर उसके पैनकेक्स तैयार करें। इसमें से हम 1 चम्मच बैटर लेंगे और इसके पैनकेक्स बनाएंगे। एक साथ हम ज्यादा नहीं डालेंगे, अदरवाइज वो स्टिकी हो जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। और इनको हम बिल्कुल धीमी गैस पर बनाएंगे, जरा सा भी गैस तेज नहीं रखेंगे, अदरवाइज हमारे पैनकेक इमीडिएटली जल जाएंगे। हमने इनको ढक दिया है और 2 मिनट बाद चेक करेंगे। हमारे पैनकेक नीचे से सिक चुकी है, अब इनको हम स्लोली पलट देंगे। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, इनको बहुत केयरफुली पलटना पड़ेगा। हमारी चॉकलेट मिनी पैनकेक्स तैयार है, इंजॉय। देखिए ये कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं, वो भी आटे के मिनी पैनकेक।